नमस्कार, अपना सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में इन दिनों वैकेंसीज का दौर चल रहा है। युवाओं को इस बात का इंतजार भी रहता है कि बिहार में कब वैकेंसी निकलेगी और कब वो सरकारी नौकरी पा सकेंगे। फिलहाल आपने देखा कि पिछले दिनों किस प्रकार से 1,70,461 पदों पर शिक्षक बहाली आई। बीपीएससी के द्वारा ये परीक्षा कंडक्ट कराई जानी है और उसके तुरंत बाद बिहार पुलिस में भी बंपर बहाली निकाली गई। लेकिन बात हम इन बहालियों की नहीं करेंगे, बात हम करेंगे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के उस बयान की, जिस बयान को बिहार के युवाओं को भी सुनना चाहिए। तेजस्वी यादव ने खुले मन से कह दिया कि ऐसा कोई भी देश है क्या? पैच। तेजस्वी यादव ने जब खुले मन से यह कहना शुरू किया कि देश में बिहार जैसा कोई राज्य है क्या जिसने वो सब कुछ कर दिया जो हमने करके दिखा दिया, क्या कर दिया है और किस प्रकार तेजस्वी यादव चुनौती दे रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, वो सब कुछ आप सुन लीजिए। पिछले दो हफ्तों लगभग 2,00,000 से ज्यादा नियुक्तियां जो है वो प्रक्रिया में। ऐसा कोई देश का राज्य बता दो जहां 2,00,000 से ज्यादा नौकरियां दी जा रही हैं। लेकिन इस पे चर्चा नहीं होती है, चर्चा तो टीवी में कुछ चंद लोगों की होती है, प्रचार उन्हीं लोगों का होता है। तो देखा आपने, नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का दौर था और इस दौरान एक बार फिर से युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। लेकिन इस दौरान तेजस्वी यादव ने जब मंच से बोलना शुरू किया तो उन्होंने कई सारी बातें कही, लेकिन जो सबसे अहम बात थी वो हम आपको सुना रहे हैं। आपने कल तस्वीरें और कल बयान तेजस्वी यादव का हमारे चैनल पर देखा है, लाइव सिटीज पर देखा है, हमारे संवाददाता आलोक बता भी रहे थे आपको। लेकिन तेजस्वी यादव ने इस दौरान ही एक बड़ी बात कही और कहा कि देश में ऐसा कोई राज्य नहीं जिसने दो हफ्ते में इतनी बड़ी नियुक्तियों को प्रक्रियाधीन रखा हो। क्योंकि उन्होंने कहा कि देश में ऐसा कोई राज्य इसलिए नहीं है क्योंकि दो हफ्ते के भीतर ही या दो हफ्ते में ही बिहार में 2,00,000 से ज्यादा वैकेंसीज जो है प्रक्रियाधीन है, बहालियां जो है प्रक्रियाधीन है और नियुक्तियां हो जानी। ऐसे में अब तेजस्वी यादव की इन बातों को युवा कैसे लेते हैं वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल बिहार में नियुक्ति को लेकर, नौकरी को लेकर, बहाली को लेकर बड़े सारे काम हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 भी सर पर है और ऐसे में बिहार सरकार नहीं चाहती है कि युवा बार बार हमले करें और ये आरोप लगाएं कि सरकार ने जो वादा किया उस वादे को पूरा नहीं कर रही है। बिहार सरकार में आने से पहले ही तेजस्वी यादव ने कह दिया था कि सरकार में आएंगे तो युवाओं को नौकरी देंगे और कहीं ना कहीं उस बात पर तेजस्वी यादव अमल करते दिखाई दे रहे हैं। तेजस्वी यादव के बाद नीतीश कुमार का वो बयान भी आपको याद होगा गांधी मैदान से, जो उन्होंने कहा था कि 10,00,000 रोजगार देंगे, 10,00,000 नौकरी देंगे, मतलब कि 20,00,000 युवाओं को नौकरी से जोड़ेंगे, रोजगार से जोड़ेंगे। अब ऐसे में तेजस्वी यादव की बातों का बड़ा मतलब निकलता है। तेजस्वी यादव ने खुले मन से यह ऐलान किया है कि देखिए, दो हफ्ते के भीतर ही 2,00,000 से ज्यादा नियुक्तियां जो है अंडर प्रोसेस है, प्रक्रियाधीन है और ऐसा करने वाला देश में बिहार जो है ऐसा राज्य है जिसका तोड़ कोई नहीं है। देश में ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसने बिहार की तरह कर दिखाया हो। अब बिहार में नियुक्तियों का दौर चल रहा है और तेजस्वी यादव मन से बार बार ये कहते नजर आ रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव यहां कुछ खफा भी थे। उन्होंने कहा कि हमारी उपलब्धियों की बात कोई नहीं करता, बात उसकी होती है जो चर्चा में बना रहना चाहता है, जिसकी बातें दिखाना चाहते हैं उसी की बातें दिखाते हैं, हमारी बातों का प्रचार प्रसार कोई नहीं कहता। निगेटिविटी काफी फैली हुई है, नकारात्मकता का भाव बिहार को लेकर जो फैला हुआ है उस नकारात्मकता को दूर करना होगा, तभी आपको दिखाई देगा कि बिहार में क्या काम हो रहा है और धरातल पर क्या कुछ सरकार कर रही है। सरकार ने जो कहा है वो करके दिखा रही है और धीरे धीरे तमाम युवाओं को नौकरी मिल रही है, तमाम युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, वैकेंसीज अंडर प्रोसेस है और भी नियुक्तियां होनी है, और भी बहालियां आनी है, कितने लोगों को और भी रोजगार से जोड़ा जाना है, कितने लोगों को और भी नौकरी दी जानी है। तो तेजस्वी यादव ने यह ऐलान कर दिया है। तेजस्वी यादव को आपने सुना है और तेजस्वी यादव की इन बातों को युवाओं को भी सुनना चाहिए, बिहार के उन युवाओं को जो कि नकारात्मकता का भाव रखते हैं। हालांकि अभी सफर लंबा है, अभी और भी आगे बढ़ना है, देखते हैं सरकार अपना ये वादा कितने दिनों में पूरा करती है, क्योंकि कई युवा ऐसे हैं जिनके अंदर अभी भी अनसेटिस्फैक्शन है और वो चाहते हैं कि बिहार सरकार में और भी बहालियां आए, बिहार सरकार और भी नियुक्तियां करे ताकि हमारा जो काम है वो पटरी पर आ सके। कई युवा जो है डिग्री लेकर घूम रहे हैं, कई युवा जो है परीक्षा के इंतजार में बैठे हैं, कई ऐसे विभाग हैं जिनमें अभी भी नियुक्तियां होनी बाकी हैं, जिनमें अभी भी बहालियां आनी बाकी हैं, तो इसका इंतजार भी बिहार के युवा कर रहे हैं। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।